आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार स्पाइस मनी लाया है आधार ऑफलाइन केवाईसी प्रोसेस, जो कि आपका व आपके मनी ट्रांसफर करने आए ग्राहक का फिजिकल आधार द्वारा केवाईसी करने में लगने वाले समय को बचाएगा। ऑफलाइन आधार केवाईसी एक सुरक्षित शेयर करने लायक योग्य डॉक्यूमेंट है, जिसे ऑफलाइन केवाईसी के लिए कोई भी आधार नंबर धारक कस्टमर इस्तेमाल कर सकता है। आइए जानें इस प्रक्रिया के बारे में। कृपया स्पाइस मनी पीपीआई टाइल पर क्लिक करें। कस्टमर यानी कि जो मनी ट्रांसफर कराने आया है उसको चुनें। अपग्रेड केवाईसी टैब पर क्लिक करें। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले निर्देशों को पढ़ें और बिगिन सेंडर्स केवाईसी पर क्लिक करें। कस्टमर का नेचर ऑफ बिजनेस व उसकी एनुअल इनकम दर्ज करें। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें, यदि आप डिक्लेरेशन फॉर्म चुनते हैं तो कस्टमर सालाना 50,000 तक मनी ट्रांसफर कर सकता है। यदि आप फॉर्म 60 सेलेक्ट करते हैं तो ग्राहक सालाना 2.5 लाख व महीने में 50,000 तक ही मनी ट्रांसफर कर पाएगा, और यदि आप पैन कार्ड ऑप्शन चुनते हैं तो कस्टमर सालाना 6 लाख तक या फिर प्रति महीने 50,000 तक मनी ट्रांसफर कर पाएगा। उदाहरण के लिए हम डिक्लेरेशन सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करें। प्रूफ ऑफ एड्रेस अपलोड करें। सबमिट पर क्लिक करें। आइडेंटिटी प्रूफ सेलेक्ट करने के लिए दिखाए गए ऑप्शन आधार ऑफलाइन XML को सेलेक्ट करें। आप ऑटोमेटिकली UIDAI की वेबसाइट पर आ जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें और गॉट इट पर टैप करें। स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। कस्टमर का आधार नंबर दर्ज करें व दिखाए गए कोड को दर्ज करें। सेंड OTP पर क्लिक करें। कस्टमर से शेयर कोड डालने को कहें, उसके मोबाइल पर आया OTP डालने को कहें और फिर डाउनलोड पर क्लिक करें। आपकी ऑफलाइन आधार XML फाइल डाउनलोड हो रही है। स्पाइस मनी ऐप पर अपलोड जिप फाइल पर क्लिक करें। कस्टमर का शेयर कोड डालें। प्रोसीड पर टैप करें। कस्टमर का ऑफलाइन XML के माध्यम से KYC तुरंत स्वीकृत हो गया है।